अमेरिका में मैंने भाई कहीं ना चौराहे नहीं देखे इस तरह से, वो चौराहे जो मैंने उतने ग्राउंड में कहीं उसको राउंड में लेने के लिए ऐसी क्रॉसिंग नहीं देखी है। यहाँ से लगभग मैंने ऐसे देखे हैं कि सीधे स्ट्रेट निकल जाते हैं गाड़ियाँ। तो रोड पास करने का तरीका देखो, यहाँ पे ये यहाँ पे इसको प्रेस किया और प्रेस करने के बाद ना ऐसे देखो, ऐसे आपका क्रॉस कर सकता है बंदा। तो क्रॉस करने पर गाड़ियाँ रुक जाती हैं, ये देखो यहाँ गाड़ी रुक गई है। ऐसे कोई बंदा क्रॉस करेगा, अगर कहीं पे ये रेड लाइट ये लाइट सिग्नल नहीं होते तो वहां पर ही बंदा आराम से ना क्रॉस कर सकता है, ये गाड़ी वाले रोक लेते हैं। ये देखो, और बसों का सिस्टम देखोगे ना, बसों देखो भाई, बस ना किस तरह से बनी हुई है, मैंने कैसे कैसे होता है काम आप देखेंगे। देखो ये बसों को ना ऐसे बना रखा है जैसे कि सामने कोई बंदा जो साइकिल पर सवार होता है ना, वो साइकिल को इस तरह से, बस के सरकारी बस है, इस बस के अपनी साइकिल को आगे लगा लेता है और ये बस वाले खुद इसको उतार के देते हैं कि चल भाई तेरी साइकिल को यहाँ रख ले और यहाँ से उतार ले। तो बसों का साइकिल वाला सिस्टम भी ऐसा है, अगर कोई बंदा हैंडीकैप है जिसके पास व्हीलचेयर है तो व्हीलचेयर का भी ऐसे कर रखा सिस्टम कि व्हीलचेयर को भी इस तरह बस का पूरा खुलता है और उसके बाद उसके ऊपर से उसको चढ़ा लेता है। तो ऐसा नहीं है कि उसको उठा के टेकना पड़ेगा, नहीं, आराम से उठा के टिकाने की जरूरत नहीं है, सीधी उसके अंदर चली जाती है वो, जो क्योंकि ये जो स्लोप बना हुआ है ना, यहाँ जो पार्क होती है, यहाँ स्टॉप होती है बस, इसके आप पास आगे खड़ी होती है तो यहाँ खुल जाता पूरा का पूरा।